राम और प्रिया ये वो जोड़ी है जिसे ऑडियंस का भरपूर प्यार मिलता आया है। ऑन स्क्रीन इनकी केमिस्ट्री नंबर वन तो है ही, साथ ही इनके नोक झोंक वाले प्यार को फैंस पूरी तरह से इंजॉय करते हैं। सोनी के शो बड़े अच्छे लगते हैं टू की कहानी एक लंबा लीप लेने वाली है। E24 के साथ खास बातचीत में राम और प्रिया ने हमें बताया स्टोरी लाइन में आने वाले लीप के बारे में। यार हम तो रोज मिलते हैं तो हमें कुछ अलग नहीं लगता। हाँ, ऑन स्क्रीन में हम रोज मिलते हैं तो बट आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग दैट लोग इतने इन्वेस्टेड है, यू नो, व्हेन राम एंड प्रिया मीट। एंड दिशा बता रही थी अभी रिसेंटली, यस्टरडे आई थिंक वी हैड सम ऑडियंस मेंबर्स कम फ्रॉम दिल्ली एंड दे वर कि अरे यार कब होगा ये, एंड इतने मतलब वो लोग दे वर अफेक्टेड। या व्हिच इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि आप यही चाहते हैं ना कि लोग शो को सराहें, किरदारों को अपनाएं। और मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है, नहीं नवीन? हाँ, कभी कभी लगता है मैं अपनी हिंदी में खो जाता हूँ। यही तो चाहते हैं, एंड आई थिंक दिशा इज वेरी हैप्पी इफ आई वाज टू स्पीक ऑन हर बिहाफ। आई एम वेरी हैप्पी। साथ ही राम है अनजान नंदिनी की सच्चाई से। आइए देखते हैं क्या है प्रिया का कहना। Yes, that's true. प्रिया को पता तो चल गया है, एक्चुअली ऑडियंस ने भी देख लिया है, उन्हें भी पता है कि प्रिया को पता है, बट उन्हें नहीं पता है कि राम को नहीं पता है, एंड प्रिया को भी पता है कि राम को नहीं पता है, और प्रिया राम को बताना चाहती है। पर क्या नकुल राम को बताएगा? नकुल आई थिंक राम को नहीं बताएगा क्योंकि वो उसको नहीं जानता है। तो प्रिया बताना चाहती है, लेट्स सी बता पाएगी या नहीं। हाँ बताना तो चाहिए, आइडियली चाहिए, मतलब यार कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, पर अगर नहीं बताया तो प्लीज मुझे कुछ मत कहिएगा। बातचीत के दौरान राम और प्रिया ने दिया अपने फैंस को प्यारा सा मैसेज। वेल, शुक्रिया हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे शो को इतना प्यार देने के लिए, और बाकी प्रिया कहेंगी। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें इतना सारा प्यार देते हैं, आप अपने प्यार की बरसात करते हैं हम पर रोज। हमें सोनी लिव और सोनी टीवी पर देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। कैसा था? ओके सॉरी, बहुत कोशिश की हमने। अब तुम अपनी अपनी भाषा में बोल दो। आई एम ट्राइंग टू कॉपी यू, यू हैव ऑल दीज बिग वर्ड्स कमिंग ना। तो प्लीज आप हमारा शो देखते रहिए एंड हमें बहुत सारा प्यार देते रहिए और इस प्रेम की बरसात को जारी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे राम और प्रिया पहुंच गए हैं बॉक्सिंग रिंग में और लड़ाइयों के बीच कैसे बढ़ गई है दोनों के बीच नजदीकियां।